भूत, प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहिए भूत पास्ता के साथ। उग्र साधना की दिशा में चलने पर ज्ञात होता है कि कतिपय देवताओं की साधना प्रायः उग्र रूप में ही होती आ रही है। ये साधनाएं वीर भाव की साधनाएं होती है। इन उग्र साधनाओं में प्रेत से लेकर फेतकारिणी साधनाएं तक आती है। कुछ ऐसे देवों उपदेवों का साधना सहित यहां हम आपको बताने वाले हैं। शुरू करते हैं प्रेत साधना से। प्रेत साधना कई प्रकार की होती है, पर हम आपको दो प्रकार की साधना के बारे में बताने जा रहे हैं। पहली विधि, प्रेतों संबंधित आवश्यक वर्णन में शव यानी कि मुर्दे पर की जाने वाली साधना तथा निर्जन में प्रेत स्थल पर की जाने वाली साधना। परिचय, प्रेत बड़े उपयोगी सहायक है। वे हाल ही में मनुष्य शरीर से निकली वे आत्माएं हैं जिनकी सदगति या पुनर्जन्म नहीं हुआ है। यदि उनकी प्रेम से सेवा करें तो वे भी बहुत सहायता करते हैं। कई प्रेत साधकों के प्रेतों ने उन्हें करोड़पति बनाया है, किंतु प्रेत साधना होती थोड़ी कठिन है। प्रेत स्थान, प्रेत सूखे वृक्षों, सूने स्थानों, प्राचीन खंडहरों, मूर्तिहीन देव मंदिरों, नदी तटों, शमशानों से थोड़ा दूर सूने घरों, तीर्थों से थोड़ी दूरी पर पर्वतों और रेगिस्तानों में रहते हैं। कुछ प्रेत कब्रिस्तानों, रास्तों के किनारे, पीपल के वृक्षों, बबूल वृक्षों, शीशम वृक्षों और सूखे कुओं तथा तालाबों के किनारे पर रहते हैं। क्या आप प्रेत साधना का फल के बारे में जानना चाहेंगे? आइए हम बताते हैं आपको। प्रेत सिद्ध होने पर हर तरह से सहायता करता है, किंतु उसे हर अमावस्या या पूर्णमासी को साधन के बाद भी दाल भात मदिरा देनी पड़ती है। मरने पर साधक को उतने 100 वर्षों तक प्रेत लोक में प्रेत योनि में रहना पड़ता है जितने समय तक प्रेत साधन और प्रेत सेवा की जाती है। यही फल सभी प्रकार की साधनाओं का होता है। वे चाहे यक्ष, बेताल, कुष्मांड, गंधर्व या देव साधना ही क्यों ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं साधना विधान के तरफ। प्रेत साधना का प्रथम प्रकार ये है कि अमावस्या को हाल में मरे व्यक्ति की लाश यानी शव पर रात में बैठे उसे दारू पिलाएं तथा स्मशानेश्वर की पूजा कर शव मंत्र की पूरी रात जप करें तो शव उठकर बोलता है, भय कतई ना करें, वर मांग लें। कई बार कई अमावस्या तक करना पड़ता है। क्रिया शमशान में ही होती है। शव हर बार नया होगा। दूसरी विधि, निर्जन स्थान खंडहर आदि में प्रेत राज तथा प्रेत की पूजा करके रात में करें। धैर्य रखे, प्रेत प्रकट होकर वर देता है। उसे मित्र बना ले तो सदा साथ देगा। ध्यान से सुनिएगा, हम आपको अभी शव मंत्र बताने जा रहे हैं। ओम नमो श्मशानेश्वर प्रेतमेकम साधय नमो नमः। और उसके बाद प्रेत स्थान पर साधना मंत्र
ओम नमो प्रेतराज मामेकम प्रेतम समम कुरु ते नमो नमः। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि साधना के पश्चात क्या करना है। साधना के पश्चात प्रति अमावस्या को प्रेत को दाल भात मदिरा देते रहें। यही नहीं, धूप दीप वो भी तेल का दे। हर बार काम लेने पर उसे रात में भोजन देना आवश्यक होता है, अन्यथा वो रुष्ट होकर उल्टा करने लगता है। प्रेत भी मनुष्य की भांति अशरीरी जीव है, सिद्ध होने से पहले डराता है, परीक्षा लेता है, पर जब मित्र बना लेता है तो बहुत जमकर साथ निभाता है। यदि आपके पास ऐसी कोई भी आर्टिकल या जानकारी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कृपया उसे अपनी फ़ोटो के साथ ईमेल करें। हमारा आईडी है bhootpasta@gmail.com। पसंद आने पर हम उसे आपके नाम और फ़ोटो के साथ यहाँ पब्लिश करेंगे।